मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जो नजर से मिलाई मजा आ गया। हुआ है आज पहली बार जो ऐसा मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। सुपरहिट गानों के ये बोल उस कोरे कागज पर लिखे गए हैं, जिनकी लाइनों में यदि उचित शब्द पिरोए जाए तो भविष्य संवर सकता है, और अगर अनर्गल शब्द लिखे जाए तो भविष्य अंधकार में भी डूब सकता है। बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप, ये उत्तर पुस्तिका ही है जो फतेहाबाद में 10वीं की परीक्षा के दौरान छात्रों को दी गई थी। हालांकि इन पर लिखे जो ये 2-3 गाने के बोल हमने आपको सुनाए, वो तो सिर्फ कुछ नमूने थे। उत्तर पुस्तिका में लिखे गए सभी मस्करे और गाने सुनेंगे तो सर से लेकर पांव तक पूरा शरीर झन्ना उठेगा और दिमाग ये सोचने पर मजबूर हो उठेगा कि हमारी युवा पीढ़ी किस अंधेरी दुनिया में भटक रही है। मैं साइंस का पेपर चेक कर रही हूँ, इसमें बच्चे के सिर्फ 7 मार्क्स हैं आउट ऑफ 60। आप जैसे पूछ रहे हैं कि बच्चे कुछ और अटेम्प्ट करते हैं, इस बच्चे ने मोस्टली पेपर में सॉन्ग्स लिखे हुए हैं, जैसे पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए, नैन कटोरे पागल छोरे, मेरे रस के कमल तूने पहली नज़र, हुआ है आज पहली बार, इस टाइप के हैं और बच्चे के सिर्फ 7 मार्क्स। ये तो बात रही एक उत्तर पुस्तिका की, आइए दूसरी पर नजर डालते हैं। गौर से देखिए इस आंसर शीट को, इसमें एक छात्रा ने शब्दों के जरिए अपनी बेचारगी दर्शाई है और पास करने के एवज में इज्जत की दुहाई दी है। छात्रा ने इसमें क्या लिखा है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं और सुनाते हैं। आप सर हो या मैडम, जो भी हो कोई बात नहीं, मगर मेरी रिक्वेस्ट है कि 1-2 नंबर की कमी हो तो प्लीज पास कर देना। मैं गरीब हूँ और अनाथ भी, मेरी शादी होने वाली है, फेल कर दिया तो बेइज्जती हो जाएगी। ये जानकर आपको और भी हैरत होगी कि इस परीक्षा में कुछ छात्र ने लिखा जय बाबे दी तो कुछ ने जय माता दी, मगर एक छात्र ने ऐसा भी किया जिसने पास करने के लिए कोई मिन्नत नहीं की, किसी बात की दुआई नहीं दी, बस उसने उत्तर पुस्तिका पर अपना मोबाइल नंबर लिखा और प्लीज कॉल मी लिखकर कोरी कोरी उत्तर पुस्तिका जमा करवा दी। स्माइलीज बनी हुई है, भगवान के गाने लिखे हुए हैं, राधे राधे वर्ड्स, जय बाबे दी, जय माता दी, और ऐसे करके कि हम बहुत गरीब हैं, अनाथ हैं, हमें पास कर देना, ऐसे काफी। परीक्षा के दौरान किसी छात्र ने लिखा हरियाणवी गाना, छन छन बोले तेरी तागड़ी, भीड़ा पलंग मैं चेतक चलाऊं, तन्ने चस्का फरारी का। तो किसी ने लिखा पंजाबी गीत, लाके तिन पैग बलिए। आपको बता दें कि इससे पहले परीक्षा के दौरान छात्रों द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं में पैसे रखने के मामले सामने आते थे, लेकिन हरियाणा में गानों और मस्खरों का प्रयोग उत्तर पुस्तिकाओं में काफी कम ही सामने आता था। हालांकि छात्रों द्वारा लिखे गए गानों और मस्करों से शिक्षकों को कोई लेना देना नहीं है, उनका कहना है कि परीक्षा में गानों मस्करों और गुजारिशों के लिए कोई जगह नहीं है। फतेहाबाद से रमेश भट्ट, पंजाब केसरी टीवी।